हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज की तारीख है 25 अप्रैल 2020। तो आज की तारीख तक अभी फिलहाल क्या क्या अपडेट्स चल रहे हैं नीट पीजी 2020 को लेकर के वो देख लेते हैं। कौन कौन सी स्टेट्स की काउंसलिंग कहां कहां तक पहुंची और क्या क्या चीज़ें इस बीच घटित हुई, उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। साथ साथ में क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं और जिन स्टेट्स की जो नोटिफिकेशंस अगर नहीं भी आई है तो वो नोटिफिकेशंस कब तक आने वाली है। सबसे पहले मध्य प्रदेश और पंजाब, मध्य प्रदेश और पंजाब की चॉइस फिलिंग अभी फिलहाल चल रही है, ऑन गोइंग है। मध्य प्रदेश की चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 27th of April 2020 है, वहीं पंजाब की लास्ट डेट कल 26 अप्रैल 2020 रखी गई है। इसके बाद बिहार और उत्तराखंड की रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट आज 25 अप्रैल 2020 है, तो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया आज आखिरी दिन है, वो कर ले, अदरवाइज उनके हाथ से ये मौका जा सकता है। इसके बाद तमिलनाडु की स्टेट मेरिट लिस्ट अभी कुछ ही देर पहले 25 अप्रैल 2020 आज के दिन कुछ ही देर पहले तमिलनाडु की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। और इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र स्टेट की राउंड वन काउंसिलिंग की रिजल्ट पोस्टपोन कर दी गई है। हर साल की भांति हर एक साल हम देखते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट में कोई ना कोई कोर्ट केस हो जाता है, जिसके वजह से महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग डिले हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। लास्ट ईयर कैटेगरीज को लेकर के हुई थी, इस बार भी कुछ दो स्टूडेंट ने कोर्ट केस किए हैं अपने हक के लिए। अब रीजन क्या है कि दो स्टूडेंट, एक है इन सर्विस कैंडिडेट, इन सर्विस कोटा से बिलोंग करते हैं, इन सर्विस कैंडिडेट हैं, और दूसरे कैंडिडेट केस करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, जो थोड़े फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी हैं उससे बिलोंग करते हैं। तो इन दो स्टूडेंट की तरफ से पिटीशन फाइल की गई है हाई कोर्ट में, जिसमें इन सर्विस कैंडिडेट की मांग है कि जिस तरीके से अगर एमसीआई की गाइडलाइंस को देखें तो एमसीआई की गाइडलाइंस कहती है कि इन सर्विस कैंडिडेट को 10% to 30% एडिशनल मार्क्स देने होते हैं, उनकी जो भी नीट की मार्क्स आ रही है उसमें ऐड करने होते हैं, मगर महाराष्ट्र स्टेट सिर्फ 4% ही मार्क्स ग्रांट कर रही है, ऐसा क्यों? और इसी को लेकर के इन सर्विस कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में केस किया है। और हमारे जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की है महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में, वो एक्चुअली उनके हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, अपर लिम में प्रॉब्लम है, जिसके वजह से उन्हें नीट पीजी 2020 के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब 2013 में एमबीबीएस के लिए उनके तरफ से केस किया गया था तो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, उन 52% ऑफ अपर लिम्ब में प्रॉब्लम होने के बाद भी 2013 में एमबीबीएस को लेकर के हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, तो अब इस बार 2020 में पीजी को लेकर के उन्हें अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा? और इस वजह से ही उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। और इन्हीं दो पिटीशंस के वजह से महाराष्ट्र की राउंड वन काउंसलिंग की जो डेट है उसे पोस्टपोन कर दी गई है, राउंड वन काउंसलिंग की रिजल्ट की डेट जो है उसे पोस्टपोन कर दी गई है। कब तक पोस्टपोन रहेगी इसकी कोई फिलहाल डेट नहीं दी गई है, अनटेंटेटिव डेट तक पोस्टपोन की गई है। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो दो से तीन दिन के अंदर जारी हो सकती है। डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए जो कैक का फॉर्म है, CAQ, जो वहाँ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा में आते हैं, उनके लिए फॉर्म आ चुकी है, मगर चॉइस फिलिंग की डेट अभी तक पब्लिश नहीं की गई है, तो चॉइस फिलिंग भी मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में चॉइस फिलिंग की भी डेट उनकी दी जा सकती है। इसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आज 25 अप्रैल 2020 को जारी कर दी गई है। इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स है उसे 27 अप्रैल 2020 को जारी कर दी जाएगी, और चॉइस फिलिंग 28 अप्रैल और 29 अप्रैल का दिन रखा गया चॉइस फिलिंग के लिए, तो 28 अप्रैल से स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग और 29 अप्रैल 2020 रात तक चलेगी चॉइस फिलिंग। 29 अप्रैल 2020 आखिरी डेट है वेस्ट बंगाल की चॉइस फिलिंग की। अब आते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटका की सीट मैट्रिक्स और स्टेट मेरिट लिस्ट का वेट करते करते अब स्टेट ने रजिस्ट्रेशन डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल को एक बार ओपन कर दिया है। तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कर्नाटका के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया मगर उनके तरफ से कुछ गलती हुई, वो उनकी गई गलतियों को सुधार कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके तरफ से ऐसा भी हुआ है कि
जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने गलत अपलोड कर दिए हैं या किसी किसी से मिस भी हो गया है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और मौका मिला है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, और अगर कुछ गलती हुई है तो करेक्ट करके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अब जो न्यू रजिस्ट्रेशन डेट ओपन की गई है इसे 25 अप्रैल आज के दिन से ओपन किया गया है, और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 27 अप्रैल 2020 रखी गई है। कहने का मतलब है कि अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो कहीं ना कहीं 28 अप्रैल 2020 तक आने के चांसेस है। 27 अप्रैल तक लास्ट रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन के बाद मोस्ट प्रोबेबली 28 अप्रैल तक कर्नाटका स्टेट की मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स आने के चांसेस हैं। तो ये स्टेट्स की अपडेट्स थी अभी फिलहाल तक के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए दूसरे दिन मैं फिर से हाजिर हूँगा कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो